हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। और आज मैं एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूं। मैं आज व्हाट्सएप के बारे में बात करूंगा। व्हाट्सएप इतना इंपॉर्टेंट है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर में खरीदा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप इतना सिक्योर है कि जिसमें आप मैसेज शेयर करते हैं, जो व्हाट्सएप के जो कॉल करते हैं, जो वीडियो कॉल होती है, जो डेटा शेयरिंग होता है, उसको व्हाट्सएप के खुद के एम्प्लॉयज भी चेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप शायद देखते होंगे लेकिन आप यूज नहीं करते, बहुत यूजफुल फीचर्स हैं दोस्तों। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल के दिखाता हूं कि व्हाट्सएप के कैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनको कैसे यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और व्हाट्सएप मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको व्हाट्सएप कितना सिक्योर है, कैसे पता करें। मैं एक नंबर ओपन कर लेता हूँ, अपना ही नंबर ओपन कर लेता हूँ। इस पर सबसे ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक मैसेज मिलेगा, मैसेजेस टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। टैप फॉर मोर इन्फो, टैप करके देखते हैं। इसमें मैसेज फिर से आ गया है, मैसेजेस टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, which means WhatsApp and third parties can't read or listen to them। इसका मतलब दोस्तों ये है कि WhatsApp के खुद के वर्कर भी आपके जो भी डेटा या मैसेजेस शेयर करते हैं, जो भी वीडियो कॉल्स करते हैं, जो भी कॉल्स करते हैं, तो उसके खुद के वर्कर भी आपका ये डेटा शेयर नहीं कर सकते, ना ही चेक कर सकते, ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ये परमिशन है कि आपका ये डेटा शेयर करे। शर्त सिर्फ ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को WhatsApp के किसी एडिशनल फीचर के तौर पर यूज़ ना करें। और अब तो अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक पे ये आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर होने लगी थी, तो हाई कोर्ट ने इस पर भी अभी बैन लगा दिया है। इस तरह से आपका कोई भी मैसेजेस या कोई भी डेटा वगैरह, अब तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी शेयर नहीं होती है, तो आप बिल्कुल सिक्योर रहें। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए हम डिस्कस करते हैं, ये स्टार्ट मैसेजेस क्या है। आप अगर किसी भी मैसेज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या किसी का एड्रेस है या आपके अकाउंट नंबर है या कुछ भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप सेव करके रखना चाह रहे हैं, उसके बाद में वो फाइंड करने में आपको मुश्किल होता है। सपोज़ कि मैंने इसमें कुछ रख रखा है, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, मुझे फाइंड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको सैंपल के तौर पर बताता हूं कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये मैंने मैसेज किया हुआ है मिक्स एंड टिप्स का, इस पर आप टैप करिए। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार नज़र आएगा, स्टार पर आप टैप कर सकते हैं। अब ये मैसेज स्टार्ट हो गया, अब इसको किस तरह से फाइंड करें अगर आपको बहुत इमरजेंसी में फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप टैप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट मैसेजेस पे टैप कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद में जो मैसेज आपने किया है ये आपको आसानी से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पर्सनल मैसेज को सेव करके रख सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों मैं, कि ये स्टार्ट मैसेजेस जो है, सपोज आपने कभी डेटा क्लियर किया तो आपके मैसेजेस चले जाते हैं, पूरे मैसेजेस चले जाएंगे, उसके बाद आपका प्रीवियस और पुराने मैसेजेस भी होंगे वो भी चले जाते हैं। तो इस पे क्या होता है कि अगर आपने स्टार्ट मैसेज किया हुआ है और आप डेटा क्लियर करते हैं, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद में डेटा क्लियर करते हैं, तो आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट मैसेजेस हैं वो क्लियर नहीं होंगे। वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लियर किया, कीप स्टार्ट मैसेजेस और डिलीट मीडिया फ्रॉम माई फ़ोन। अभी आप इसको ग्रीन जो चेक है, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपका जो मैसेज है, स्टार्ट मैसेजेस है, वो भी चले जाएंगे। और आप इसको अगर चेक करते हैं तो आपका स्टार्ट मैसेजेस बचा रहेगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन, बाकी के मैसेज डिलीट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लियर पे मैंने क्लिक किया, ये मैसेज केवल रह गया, बाकी सारे मैसेजेस क्लियर हो गए दोस्तों। तो ये स्टार्ट मैसेजेस का बेनिफिट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका डेटा यूजेज, आपको व्हाट्सएप पे कितना डेटा किस पर्सन के लिए आपने यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे आपने मैसेज किए हैं और कितना डेटा किस ग्रुप के लिए गया है, या कहाँ कहाँ पे मैसेज आपने जो किए हैं वो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट जो दिए हैं, 3 पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में डेटा स्टोरेज पे जाएंगे। डेटा स्टोरेज पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, नेटवर्क यूजेज, स्टोरेज, तो आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप ने ये फीचर अभी लॉन्च किया है रिसेंटली,
पहले नहीं था, अब इस पे आपको सब कुछ दिखा रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके सामने सभी, जितना भी डेटा आपका यूज हुआ है जितने एमबी का वो सब कुछ दिखा रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि इस पे सबसे हैवी फाइल जो है आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उस फाइल को ओपन करिए, उस ओपन फाइल को ओपन करेंगे या उस नाम को ओपन करेंगे तो उसमें आपको मैसेजेस दिखाया गया, यहाँ पे कितने मैसेज किए हैं, आपको इमेजेस कितनी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने गए हैं, वीडियो कितने गए हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखा देगी यहाँ पे डिटेल में। आप चाहें तो इसको मैनेज कर सकते हैं कैसे, कि अगर आप इसमें क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे मैनेज में क्लिक करेंगे तो ये क्लियर मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। टोटल दिखा रहा है 1.8 MB का, इस पर दिखा रहा है आपको टेक्स्ट मैसेजेस या इमेजेस या आपके डॉक्यूमेंट्स या ऑडियो वीडियो, जो भी आप रखना चाह रहे हैं उसको अनचेक कर दीजिए, जो क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसको आप जो है चेक कर लीजिए। अब सपोज मैं मैसेजेस रखना चाह रहा हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लियर मैसेज पर क्लिक करूँगा। ये देखिए आपको 1.8 MB की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर करने के लिए बोल रहा है, इसको आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो गए, लेकिन मेरे मैसेजेस 269 थे वो बचे हुए हैं मैसेजेस। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप डेटा यूजेज को चेक कर सकते हैं कि किस पे कितना डेटा यूज हुआ है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट चलिए हम देखते हैं, फॉन्ट डिज़ाइन। आप अगर किसी को फॉन्ट डिज़ाइन करके कोई चीज़ भेजना चाहते हैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइनिंग वर्ड्स के साथ में, तो किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ लिखना है, बोल्ड करना है, तो आप ये स्टार लगाने के बाद में आप उस मैसेज को टाइप करें और उसके बाद फिर स्टार लगा दें, ये मैसेज बोल्ड हो जाएगा। देखिए आप इसको सेंड कर सकते हैं तो बोल्ड होगा, अगर आपको इटैलिक लिखना है तो आप यहाँ पे ये अंडरस्कोर लगाइए इसके पहले, पहले अंडरस्कोर लगाइए बाद में अंडरस्कोर लगाइए, ये देखिए इटैलिक में आ जाएगा आपका ये वर्ड। आप अगर किसी चीज़ को काटना चाहते हैं बीच से, या कोई वर्ड आप काट के, या जैसे होता है डिस्काउंट वगैरह आपको मिलता है 50% डिस्काउंट, पहले आपने किसी का प्राइस लिख दिया और उसके बाद में उसका डिस्काउंट कम करके लिखते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 499 सपोज आपने लिखा, इसमें इस पर एक टिल्ड का निशान होता है, यहाँ पे टिल्ड का सिंबल होता है, टिल्ड को आगे पीछे लगाने के बाद में ये लिखेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पे 299 लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंड करिए तो देखिए आपको यहाँ पे 499 कटा हुआ नज़र आएगा, 299 लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीज़ और, कि अगर आप इस फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं या एक स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं आप, तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको सिंबल का। सपोज कि मैंने इस पे डिज़ाइन चेंज करना है अपने फॉन्ट का, तो ये सिंबल आप देख लीजिए, ये आपको मोबाइल में मिल जाएगा, 3 points आगे 3 points पीछे आप लगाएंगे, आप इसको सेंड करेंगे तो ये देख लीजिए डिज़ाइन तीनों में, चारों में और इसमें फ़र्क है। तो इस तरह से आप फॉन्ट का साइज और डिज़ाइन वगैरह ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ऑटो डाउनलोड क्या है। ऑटो डाउनलोड दोस्तों, अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है या आपको कोई मैसेज या इमेजेस या आपको कोई वीडियो वगैरह शेयर करता है, तो आपके वीडियोस अपने आप ऑटो डाउनलोडेड होने चालू हो जाते हैं। अगर आपका वाईफाई ऑन है या आपका मोबाइल डेटा ऑन है, तो इस तरह से आपका पूरा डेटा खर्च हो जाता है। तो इसको किस तरह से सेव करना है मैं आपको बताता हूँ। ये 3 points में आप जाएंगे, जैसे ही सेटिंग पे आपको जाने के बाद डेटा एंड स्टोरेज मिलेगा, फिर से यहाँ पे जाने के बाद में आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा नो वीडियो, मैंने किया हुआ है, अगर आप वीडियो या ऑडियो फोटो में से कुछ भी आप चाहते हैं कि ऑटो डाउनलोड हो जाए, तो आप फोटो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए फोटोज ऑटो डाउनलोड पे आ जाएगी। आप यहाँ पे वाईफाई पे अगर आप कनेक्ट हैं तो वाईफाई पे भी अगर आप चाहते हैं कि फोटो ही डाउनलोड हो और कुछ डाउनलोड ना हो, तो ओके कर देंगे तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी। रोमिंग पे अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी फोटोज या मीडिया डाउनलोड ना हो, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक रहने दें, ओके कर दें, तो आपका जब भी कभी वाईफाई पकड़ेगा या आपका डेटा ऑन होगा मोबाइल का, तो ये मीडिया जो है डाउनलोड नहीं होगी ऑटोमेटेड, और आपका नेट बच जाएगा, जितना भी आपका नेट का यूजेज है या आपका नेट जो वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा। आप उसके बाद मोबाइल चेक कर सकते हैं, मोबाइल में जितना भी आपको डाउनलोडिंग करना है तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फीचर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए मोबाइल डेटा सेव करने के लिए। चलिए दोस्तों हम अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। वो फीचर क्या है, जब कभी भी आप किसी को मैसेज करते हैं
या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसने बोल दिया मैंने रिसीव नहीं किए हैं या मैसेज आपका रिसीव नहीं होता है, तो आप किस तरह से पता करते हैं कि आपका मैसेज उसने रीड किया है कि नहीं? ये देखिए, मैं अपने नंबर पे ही मैंने एक मैसेज किया हुआ है हेलो हाउ आर यू का, और इसको कैसे चेक करना है कि वो मैसेज रीड हुआ है या नहीं, किस टाइम पे रीड हुआ है, ये देखिए मैं इसको टैप करता हूँ और यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है आप देख रहे हैं आई का, इसको टैप करेंगे तो ये डिलीवर्ड दिखा रहा है 48 मिनट एगो और रीड दिखा रहा है 30 मिनट्स एगो। ये आपका रीड मैसेज है, उसने 30 मिनट एगो रीड किया हुआ है। अभी ये एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाने लगेगा, तो उस तरह से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, एज ए प्रूफ ये दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। दोस्तों चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो कन्वर्सेशन होता है किसी से तो उसको एज ए प्रूफ कैसे रख सकते हैं, ताकि अगर कोई मैसेजेस आपके डिलीट हो जाते हैं या व्हाट्सएप हैंग हो जाता है या आपको अनइंस्टॉल करना पड़ता है तो वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एज ए प्रूफ आप अपने ईमेल में कैसे सेंड कर सकते हैं। तो आपको कोई भी मैसेज अगर कन्वर्सेशन आपको रखनी है, चैट आपको रखनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप किसकी भी कन्वर्सेशन रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको देखता हूँ, अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, मैं उसको टैप करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब ये कन्वर्सेशन मैं अपनी मेल पर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद में ये थ्री पॉइंट्स जो हैं इन पे क्लिक करने के बाद में मोर के ऑप्शन पे जाइए और उसके बाद में आप ईमेल चैट करिए। ईमेल चैट जैसे करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, जिस भी अकाउंट में आप मेल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, चैट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए। मैं जीमेल में कर लेता हूँ, अपना आईडी डालता हूँ और आईडी डालने के बाद मैं ये पूरी कन्वर्सेशन में सेंड कर देता हूँ। तो ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन आपको एज ए प्रूफ आपकी मेल पे मिलेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपको ये व्हाट्सएप चैट विद नदीम मलिक, ये नाम के साथ में आ रहा है, मैंने अभी नदीम मलिक के साथ में जो चैट की है ये देखिए, ये पूरी डिटेल आपको अटैचमेंट के साथ में मिल जाएगी। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप जब खोलेंगे तो ये पूरी चैट डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई आपके साथ में, क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसको आप ओपन करके किसी को दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या दोबारा मेल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप डिलीट भी हो जाएगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो दोस्तों चलिए अगले फीचर के बारे में बात करते हैं हम, ये ग्रुप लिंक इन्विटेशन। तो वो किस तरह से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप क्रिएट करके और ऐड करेंगे मेंबर्स तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इसमें से मेंबर्स ऐड करूंगा तो शायद मुझे पहले उसके नाम को ऐड करना पड़ेगा, उसके नंबर को उसके नाम के साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर सेव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी को ऐड कर सकता हूँ। तो आप इन्विटेशन कैसे भेज सकते हैं कि आपका ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट लोग ज्वाइन कर लें? आप यहाँ पर जाएंगे जब टैप करके तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का आइकन आएगा। कॉन्टैक्ट का आइकन जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक, अब यहाँ पे लिंक में क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे शेयर लिंक आ जाता है, कॉपी लिंक आ जाता है, सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप आ जाता है। इनमें से किसी भी तरह से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या किसी को पर्सनली आप मैसेज करेंगे तो ये मैसेज जाने के बाद में कोई भी लिंक पे क्लिक करके आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों इससे नुकसान ये है कि अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन किया तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी आपके ग्रुप में जुड़ जाएं जिनको आप नहीं चाहते हैं, जो एडल्ट तरीके के मैसेजेस वगैरह शेयर करने लगे। इसमें ये नुकसान हो सकता है कि ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से शेयर करना चाह रहे हैं, किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं आप देख लीजिए। लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है लोगों को जोड़ने का अपने ग्रुप में। और ये दोस्तों फीचर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अगला, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उनके जो मैसेजेस होते हैं कई सारे, फिर कंप्लेंस भी आती हैं कि उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। मेरा आप व्हाट्सएप देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे मैसेजेस हैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, रात के चाहे 12 के बाद भी रिप्लाई करूँ लेकिन रिप्लाई करता हूँ। इस केस पे क्या होता है कि आपको जो पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज चाहिए होता है वो नीचे चला जाता है, वो देख नहीं पाते हैं, टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं आप कि आप उसको पिन कर सकते हैं। मैंने एक अपने ग्रुप को पिन किया हुआ है, इसके बाद ये पिन जो किया हुआ है इस पे जो भी कोई मैसेज करेगा, अगर इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो ये मैसेजेस मेरे इस ग्रुप वाले मैसेज के नीचे आएंगे सारे मैसेज। आप देख सकते हैं कि जो भी मैसेज आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसको अगर आप अनपिन कर देंगे, आपने देख लिया कि वो
मेरा ग्रुप नीचे चला गया है, उसके बाद जो लेटेस्ट मैसेज हैं वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे दोस्तों। तो अगर आप चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको सबसे ऊपर मैसेजेस मिले या किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको मैसेज सबसे ऊपर मिले, तो उस पर्सन को पिन कर सकते हैं या उस ग्रुप को पिन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से पिन कर सकते हैं आप। सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस पर्सन का चैट पिन कर लूँ और ये सबसे ऊपर आए, तो ये मैंने इसको पिन कर दिया दोस्तों। देखिए सबसे ऊपर पिन करके इसका मैसेज सबसे ऊपर आ गया है। मैं आपको सैंपल के लिए अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन से मैसेज करके दिखाता हूँ कि वो मैसेज मेरा नीचे आएगा इस कॉन्टैक्ट के। ये मैंने मैसेज सेंड किया दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन पे, देखिए इसके नीचे मैसेज आया है, जबकि अगर ये मैंने पिन नहीं किया होता तो ये वो सबसे ऊपर मैसेज आता। तो पिन करने का ये बेनिफिट है कि आपका कोई भी मैसेज जिस पर्सन को इंपॉर्टेंट देते हैं आप या जिसका मैसेज मिस नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको आप पिन कर सकते हैं, वो हाईलाइटेड रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, हमेशा आपको मैसेज सबसे पहले दिखेगा दोस्तों। तो इसका ये बेनिफिट है दोस्तों। ये जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका टाइम सेव करेगा। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं और आप बिजनेस करते हैं या आप बहुत सारे ग्रुप में कोई मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं तो सबसे आपको क्या करना पड़ता है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको फिर ग्रुप ओपन करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर सेंड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज बहुत सारे ग्रुप में सेंड करना है तो आप इस मैसेज को टैप करेंगे। आप इस मैसेज को टैप करिए, टैप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट होगा फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप्स खुल जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे। आप इस पर टैप करने के बाद में ये मैसेजेस जो है आप सेंड कर सकते हैं जितने भी ग्रुप्स में आप चाहें। ये सारे मैसेजेस जो है उन सभी ग्रुप्स पे चले जाएंगे और इससे आपका टाइम बचेगा। ये मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप में कैसे सेंड करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें डिलीवरी दिखा दिया इसने, सभी में मैसेज डिलीवर्ड हो गया है। तो ये बहुत इजी तरीका है दोस्तों, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स बहुत पसंद आए होंगे और इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको फीचर्स के बारे में किसी भी तरीके का व्हाट्सएप के कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख सकते हैं। और अगर कोई फीचर्स में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। या इससे रिलेटेड अभी और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है पार्ट टू भी बनाऊँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों में, लाइक करिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों देखिए आपने व्हाट्सएप में कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम जानते हैं लेकिन यूज नहीं करते दोस्तों, तो आज से आप यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, नीचे कमेंट करिए। और आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैं चलिए अगले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूँ, इंटरव्यू वगैरह के टिप्स, कैसे हमें इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके आंसर्स कैसे देना है, वो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में जरूर लेके आऊँगा दोस्तों। तो तब तक के लिए टेक केयर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।